अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू मे ऑल फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 13 भी। द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:3:5। फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट? ग्रेटेस्ट एंगल हमने फाइंड करना है और हमने ये भी बताना है कि ये ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले हमने वो जो स्टेटमेंट लिखी रेशो अमॉन्ग एंगल्स 2:3:5 से दी गई है जो हमें गिवन था। सम ऑफ रेशो हमने निकाली तो ये हमारे पास 10 आ गई। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर जो सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। साइज ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल का साइज फाइंड करना है तो हमने 180 जो है उससे मल्टीप्लाई करवा दिया ग्रेटेस्ट एंगल्स को और डिवाइड आप लोगों ने कर देना है, आप लोगों ने जो आपको मिला सम ऑफ रेशो, तो ये हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो हमें पता है जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम इसको फिर क्या क्लासिफाई करेंगे, इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन इन द फिगर बिलो। ठीक है, ये उसने एक फिगर दिया और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में मैंने लिया, ये मैंने एक लाइन ली, इसके ऊपर ये टू एंगल्स बन रहे हैं डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी। मैंने इसको लीनियर पेयर का नेम दे दिया। लीनियर पेयर हमारा होता है टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ दे आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनका जो वर्टेक्स होता है वो टू एंगल्स का वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, जैसे ये डी बी ए, एक हमारा ये एंगल हो गया और ए बी सी, तो इनका दोनों का वर्टेक्स जो है कॉमन है, इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट। और जो सप्लीमेंट्री हमारा होता है वो क्या होता है, तो टू एडजेसेंट एंगल्स का कम्बिनेशन होता है, लेकिन वो कितना बनाता है, वो 180 डिग्री बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। और इन दोनों का जो हम प्लस लेंगे उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया क्या लीनियर पेयर के तौर पर, 1 और 2 और 180 डिग्री के ये इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें एंगल डी बी ए, देख ठीक है, ये देख रहे हैं ना एंगल डी बी ए हमारे पास कितना है 140 का। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब आगे मैंने लिखा हुआ एंगल ए बी सी, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लाइन, उसकी कॉमन है ए बी सी, ये हमें फाइंड है तो 180 डिग्री के इक्वल है। जहाँ पे डी बी है वहाँ पे मैंने 140 पुट किया, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल ए बी सी जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 40 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास कितना हो गया अब 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अगेन फ्रॉम फिगर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ना, तो अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ इसको इस तरह से। ठीक है, ट्रायंगल शेप अगर मैं देखूँ तो एंगल सी मेरे पास कितना आ गया 72 डिग्री जो हमें गिवन दी आ गया है। ठीक है, उसके बाद एंगल ए हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स डिग्री के इक्वल है। ठीक है, और एंगल बी हमने अभी भी फाइंड आउट किया था 40 डिग्री आया, तो मैं लिख दूंगा इन तीनों का प्लस करके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी जो हमें गिवन था वो 72 डिग्री था, एंगल बी हमने अभी निकाला 40 डिग्री, और एंगल ए किसके इक्वल था एक्स डिग्री को, मैंने उसको एक्स की वैल्यू ए की जगह पे मैंने पुटिंग कर दी इसकी। ये दोनों प्लस के हैं, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे, 180 में से इन दोनों को निकाल देंगे तो एंगल एक्स जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 68 डिग्री। दैट्स इट, गुड बाय।